तबलीगी जमात की लापरवाही ने दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना के डर को और हवा दे दी है। लोग हैरान हैं कि जब देश में इतनी एहतियात बरती जा रही थी तो कैसे निजामुद्दीन में हजारों हजार लोगों का जमावड़ा हो गया, कैसे तबलीगी जमात का इतना बड़ा जलसा हो गया जबकि 5 से अधिक लोगों का एक जगह इकट्ठा होना मना है। नतीजा ये है कि जमात के ही सैकड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन 23 मार्च को निजामुद्दीन थाने का एक वीडियो जारी हुआ है जिसके मुताबिक 23 मार्च को ही SHO मुकेश वालिया ने जमात के कुछ पदाधिकारियों को थाने में बुलाकर नोटिस दिया था और सख्त चेतावनी दी थी कि निजामुद्दीन मरकज में 5 से ज्यादा लोग नहीं रहने चाहिए। जिस वक्त ये बातचीत चल रही थी उस दौरान मौलाना ने कबूल किया था कि मरकज में करीब 1000 लोग मौजूद हैं। करने के और वार्निंग देने के बावजूद भी वहां पे मरकज में हमेशा 1.5 से 2 हजार की गैदरिंग है। बात है, बात पहले से है ना? पहले से है या बाद से है? आप मेरी बात को सुनिए जी, पहले आप मेरी बातों को मेरी वे में सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर ये आप लोगों के लिए आसानी के लिए है, अगर मैं बुला के इस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ और ऊपर CCTV कैमरा, तो उसका कोई पर्पज है? बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, 5 आदमी से ज्यादा होंगे नहीं, सारे रिलीजियस प्लेसेस बंद है और ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। ये मेरी सुरक्षा के लिए नहीं है, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। आप लोग जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतने ही जी जाएंगे, बचेंगे, लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है ये। वो कुछ नहीं देख रहा, रिलीजन रिलेटेड चीज नहीं देख रहा। तो आप लोगों को बार बार आगाह करने के बावजूद भी ये चीज समस्या हल नहीं हो रही है। अब मैं आपको जो आपके हाथ में नोटिस है, ये नोटिस आपको दे रहा हूँ और मोहम्मद असाद साहब के नाम पे दे रहा हूँ। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी इश्यू निकला और आप लोगों ने इसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से क्लियर नहीं किया तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन के लिए मजबूर हूँ। सर हम डेढ़, आप कह रहे हैं हमने 1500 लोग कल भेजे हैं यहाँ से और अभी भी अभी कितने लोग हैं वहाँ? अभी 2500 में से एक रह रहे हैं, 1500 हम भेज चुके हैं और अभी भेज रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ अभी कितने लोग हैं मरकज में? 1000 हैं। वो कहाँ कहाँ के हैं? सब दिल्ली से बाहर के, दिल्ली का कोई कहाँ कहाँ के, कोई लखनऊ का है, कोई बनारस का है, कोई हरदोई का है, बिजनौर का है, का है, ये सब जाना चाहते हैं लेकिन बॉर्डर सील है, क्या करें जी? हम इनको अभी भी आपको जिस वे में निकालने के लिए हम तैयार हैं। आप इनको SDM साहब से बात कर लीजिए, आप हमें नंबर दे सकते हैं, बात कर रहे हो ये, आप इस तरह की बातें मत मेरे से करो यार। आपके पास SDM का भी नंबर नहीं है? ACP मेरी बात सुनो, आप इस तरह की बातें मत करो, आप पढ़े लिखे बंदे हैं यार, आप ऐसी बातें मत करो। मैं दे दूंगा SDM साहब का भी नंबर, पर आप इस तरह की बातें ना करें कि आपको SDM का भी नंबर नहीं पता। आप यहाँ पे इतना बड़ा मरकज चला रहे हैं, हमेशा 2000 की गैदरिंग होती है, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, सारे लोग होते हैं। अगर मैं इस वे में बात कर रहा हूँ और इस तरह से आपको गंभीरता बता रहा हूँ यहाँ बुला के, तो उसका पर्पज है। हम आपकी बात आपको बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में बता रहा हूँ। अब आप सुनिए मेरी बात को, SDM साहब से संपर्क करें तुरंत, और जैसे कि आज भी कुछ आए हैं इस तरह के नहीं आएंगे, स्पेशल ब्रांच के हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, सीनियर अफसरों के फोन आए हैं, अभी वो सारे के सारे आपसे वो नहीं करेंगे, मेरे थ्रू करेंगे। तो मैं इस चीज को जो आपके लोग आपको सख्त शब्दों में ये आपको कन्वे कर रहा हूँ, बात को तुरंत प्रभाव से इसको कर लीजिए और अभी आप SDM साहब से संपर्क कीजिए, गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज देंगी, जिस जिसको आगे बसेस से निकालना वैसे होगा, मैनेज कीजिए। ये 3-4 दिन से करा होगा, ये 3-4 दिन से आप इतने गंभीर हुए होते तो अब तक खाली होता ये। इस बात में आपको एक सेकंड सुन लीजिए, आर्गू नहीं करना, मैंने आपको ये बता दिया। SDM साहब का भी नंबर ला के दे दो, मैं SDM साहब से खुद भी बात कर लेता हूँ और आपके सामने करता हूँ, ठीक है? पर इसके बाद अगर मैंने ये चीजें कर ली तो मैंने आपको नोटिस दे दिया, बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा और इसमें किसी तरह से आप वो मत समझिएगा। तो देखा आपने, तबलीगी जमात के लोगों को काफी पहले ही आगाह कर दिया गया था लेकिन इन लोगों ने इसके बाद भी नाफरमानी की, आदेशों की अवहेलना की। क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? आखिर टूरिस्ट वीजा पर ऐसे मुश्किल वक्त में भारत आकर ऐसे तबलीगी जलसों में शामिल होने की वजह क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब देश कोरोना वायरस से जंग में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहा था तो मुस्लिमों की तबलीगी जमात ने अपने देसी ही नहीं विदेशी प्रचारकों को भी देश के अलग अलग हिस्सों में धर्म का प्रचार प्रसार करने के काम में जुटा रखा था। उसे देश के सामने मुंह बाए खड़े कोरोना जैसे महासंकट के दौर में भी चिंता थी तो सिर्फ अपने मजहब की।
यही वजह है कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों की भी तनिक भी परवाह नहीं की। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के हजारों लोगों का जमावड़ा लगाया गया तो इसी जमात से जुड़े कई विदेशी मुसलमान लखनऊ, पटना और रांची की मस्जिदों में छिपे मिले। हैरानी इस बात की है कि इस गुस्ताखी के खुलासे के बाद भी तबलीगी जमात के सर्वे सर्वा मौलाना साद लोगों को भड़काते नजर आए। सुनिए जरा। और ये मौका अल्लाह ताला से माफी मांगने का होता है, ये मौका इसका नहीं है कि आदमी महज डॉक्टरों की बातों में आकर नमाजें छोड़ो, अपनी मुलाकातें छोड़ो, मिलना जुलना छोड़ो, ये कुछ नहीं। हाँ, बीमार है, बीमार की आयादत 70,000 फरिश्तों को तुम क्यों नहीं यकीन करते, क्यों नहीं यकीन करते? क्या 70,000 फरिश्ते मेरे साथ हैं? फिर भी बीमारी आ गई कि जब अल्लाह ताला ने मेरी ये बीमारी मुकद्दर कर दी तो मैं किसी डॉक्टर किसी दवा को साथ रखकर कैसे बच सकूंगा जब 70 फरिश्ते मेरे साथ हैं, फिर बचाव नहीं हुआ। तबलीगी जमात का ये मजहबी प्रपंच तब चल रहा था जब पूरा देश कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए महासंकट से पार पाने के उपायों की चिंता में डूबा हुआ था। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले 22 मार्च को जनता कर्फ्यू, फिर 24 मार्च से 3 सप्ताह के लिए देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने दोनों मौकों पर देश को संबोधित किया और लोगों से कोरोना वायरस के संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन की अपील बार बार दोहराई। प्रधानमंत्री की इन अपीलों को देश भर का समर्थन भी मिला। लोगों ने कोरोना संकट की भयावहता के मद्देनजर खुद को अपने अपने घरों में कैद कर लिया, लेकिन तबलीगी जमात अपने मजहबी एजेंडे पर ही कायम रहा। कट्टरपंथियों की यही सनक मौलाना साद के वायरल ऑडियो में भी सुनाई देती है। मुसलमानों के दरमियान तफरीक पैदा करने, इनके दरमियान की मोहब्बतें खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। जी हाँ, ऐसा नहीं है, प्रोग्राम बनाया गया है कि मुसलमानों को मुसलमान से अलग करने और इन्हें गैरों की तरह अछूत बनाने के लिए ये बहाना अच्छा है, ये बहाना अच्छा है। तबलीगी जमात के मजहबी एजेंडे का नतीजा अब सामने है। देश ही नहीं विदेशों तक में कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि जमात के निजामुद्दीन स्थित मरकज के कार्यक्रम में विदेशों से भी सैकड़ों मुसलमानों ने शिरकत की थी और फिर अपने अपने देश लौट गए थे। मरकज के जोड़ कार्यक्रम में शामिल अब तक 20 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है, जबकि इस आंकड़े के अभी और बढ़ने की पूरी आशंका है। लेकिन मौलाना साद का तो कुछ और ही सोचना और मानना है। कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी, ये ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। जो मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई होनी चाहिए। सीधी बात, हाय हाय, साहब तमन्ना करते थे काश दावत देते हुए मौत आवे, काश नमाजें मौत आवे। इन्हें नमाज में खतरात नजर आ रहे हैं, ये नमाज छोड़कर भागेंगे इसलिए ताकि अजाब हट जावे। अल्लाह अजाब लाए नमाज छोड़ने की वजह से, ये अजाब हटाएंगे मस्जिदों को छोड़ने की वजह से। सोचे तो सही, कैसी उल्टी सोच है। तबलीगी जमात प्रमुख मौलाना साद लॉकडाउन के उल्लंघन के कारण विवादों में फंस गए हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब वो विवादों में फंसे हों। इससे पहले इस्लाम धर्म की गलत व्याख्या के चलते दारुल उलूम देवबंद उनके खिलाफ फतवा तक जारी कर चुका है। अब कोरोना जैसी खतरनाक महामारी के बीच धर्म के नाम पर किया गया उनका जमावड़ा और भड़काऊ ऑडियो का ये संदेश वायरल होने के बाद मौलाना के खिलाफ लोगों में गुस्सा और बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।